सब्सक्राइब कीजिए जायका NH12 और दबाइए बेल आइकन ताकि हमारे जरिए अपलोड की गई कोई भी जायकेदार डिश आपसे मिस न हो सके। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जायका NH12। और आज हम बनाने वाले हैं एक बहुत ही टेस्टी और इजी रेसिपी जिसका नाम है आलू कीमा। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। आलू कीमा बनाने के लिए हमें चाहिए 250 ग्राम कीमा मटन का, और एक मीडियम साइज़ कटी हुई प्याज, एक मीडियम साइज़ कटा हुआ टमाटर, आधा कप दही, एक मीडियम साइज़ कटा हुआ आलू, इस तरीके से मैंने क्यूब्स में काट लिया ऐसे, और एक चम्मच नमक, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, दो चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी, एक चम्मच लाल मिर्च, खड़े गरम मसाले, एक तेज़पत्ता, एक इंच का ये दालचीनी का टुकड़ा, इसे मैंने दो टुकड़ों में कर लिया है, चार काली मिर्ची और चार लौंग, और एक टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, और ये दो हरी मिर्चें ऐसे रफली कटी हुई। तो आलू कीमा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई में दो बड़े चम्मच तेल ले लिया है ये, और इसमें सारे खड़े गरम मसाले डाल देंगे और उसी के साथ प्याज। और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, अब इसमें हम जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल देंगे। और जो कीमा करा रखा है वो डाल देंगे। कीमे को हमेशा अदरक लहसुन के साथ करना चाहिए, उससे उसकी स्मेल मर जाती है और बहुत ही टेस्टी बनता है उसकी वजह से। और उसी के साथ हम हल्दी भी डाल देंगे। और नमक भी। और इसको 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे भून लेंगे। कीमा भून रहा है अभी, इसने कीमा पानी छोड़ दिया इसमें, और इस पानी को पूरा अच्छे से हम सुखाएंगे गैस के ऊपर, नहीं तो हमारी डिश में बहुत गंदी स्मेल सी आएगी, एक कच्ची सी जो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। और पानी आप बिल्कुल अच्छे ध्यान से सुखाइएगा इसका। अब आप देख सकते हैं इसका पानी अच्छे से सूख गया है और इसमें पेस्ट छोड़ गया है पूरा। और अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे कटे हुए, और टमाटर को भी अच्छे से इसके साथ भून लेंगे कि पूरे टमाटर इसमें घुल से जाए, इसकी वजह से इसमें बड़ा अच्छा चटपटा सा टेस्ट आता है। बस इसी तरीके से हम इसे मीडियम फ्लेम पे चलाते चलाते पूरे टमाटर को अच्छे से कुक कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं टमाटर पूरे अच्छे से इसमें घुल से गए हैं। अब हम इसमें दही डाल देंगे और दही का भी पूरा पानी इसमें सुखा लेंगे। और ये हाई फ्लेम पे सुखाइएगा, मीठा दही यूज़ कीजिएगा, थोड़ा सा भी खट्टा नहीं हो दही। तो दही का भी पानी सूख चुका है, अब हम इसमें आलू डाल देंगे, और आलू के साथ मिर्ची, और धनिया, गरम मसाला और हरी मिर्च। अब हम इसे 2 मिनट के लिए मिक्स करने जैसे भून लेंगे, और बस अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल के हम इसे गलने रखेंगे। इसमें आधा ग्लास के करीब पानी डालेंगे और इसे गलने रख देंगे। आधा ग्लास के करीब पानी डाल के इसमें मिक्स करके, और मंदी आंच पे आधे घंटे के लिए इसे कुक होने रख देंगे। अगर कीमे की बोटियाँ बहुत ज़्यादा छोटी हों आपकी तो ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ये मेरा बिना मशीन का कीमा है इसमें, तो मुझे इसे गलाना पड़ेगा थोड़ा। तो कीमा गलते हुए आधा घंटा हो चुका है, अब हम चेक कर लेते हैं। खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है और ये बहुत टेस्टी लगता है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब बस हम चेक कर लेते हैं कि हमारे आलू के पीसेस गले कि नहीं।
धीरे। आलू भी बहुत अच्छे से गल गया है और कीमा तो गल ही गया है। और बस अब हम इसको थोड़ा सा हाई फ्लेम पे 2 मिनट के लिए भून लेंगे और फिर से सर्व कर देंगे। गाइस कीमा बनके बिल्कुल तैयार है और ये बहुत ही टेस्टी लगता है पराठे के साथ, पूरी के साथ और लच्छे पराठे के साथ या तंदूरी रोटी के साथ, आप इसे जिसके साथ भी सर्व करना चाहें। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल जायका NH12 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए Bye.